Hare Jaya Jaya Deva Hare
चर्चा हो रही थी जगत में सबसे बड़ी कौन है। एक साधु ने कहा जगत में सबसे बड़ा पानी। बोले पानी कैसे? बोले संपूर्ण पृथ्वी में 3 भाग जल और 1 भाग स्थल। तो पृथ्वी में सबसे बड़ी कौन है? उसको ट्रांसलेशन कर, इसलिए कि जगत में सबसे बड़े कौन हुए? कौन हुआ? पानी। पानी जब एक संत ने कहा पानी, एक संत ने कहा भैया पानी को कैसे सबसे बड़ा कह रहे हो? जगत में अगर तुम बोलोगे पानी सबसे बड़ा है ना, जगत में सबसे बड़े श्री अनंत देव है। बोले कैसे? बोले ये संपूर्ण पृथ्वी को अपना सर के ऊपर में, एक सरिस्व जैसे अपना सर के ऊपर में पृथ्वी को किसने धारण किया है? कौन? अनंत देव। तो जगत में कौन बड़े हो गए? कौन हुए? अनंत देव बड़े हुए। एक संत ने बोला बोले अनंत को कैसे बड़े कह रहे? उनसे भी बड़े है। बोले कैसे? बोले शंकर, भोले बाबा, भोले बाबा। बोले कैसे? बोले शंकर जी के गले में देखो जो सांप है ना, वो सांप नहीं, वो अनंत देव है। ये शंकर जी के गुरु है। इसलिए शंकर जी दुनिया को शिक्षा देते हैं, अगर जीवन में किसी चीज को भूषण बनाना है ना, गुरु जी की उपदेश को भूषण बनाओ, सोने चांदी नहीं तो सब खोल कर ले जाएंगे, मरने से पहले सब निकाल कर ले जाएंगे, ये सब साथ में जाने वाला नहीं। तो साथ में क्या जाएगा? बोले गुरुदेव का जो उपदेश है, हैं? गुरु की उपदेश ही अंतिम समय में काम करता है। इसलिए जगत में बड़े कौन हो गए? शंकर जी बड़े हो गए। एक साधु फिर खड़े हो गए, बोले तुम शंकर जी के कैसे बड़े कहते हो? अगर शंकर जी के बड़े बोलोगे ना, मैं बोलूंगा शंकर जी से बड़े रावण है। बोले कैसे? बोले रावण जब दिग्विजय करने के लिए निकला, वो पहुंचा जाकर के कैलाश पर्वत में, देखा शंकर जी कैलाश के ऊपर में तपस्या कर रहे हैं। रावण इतना बड़ा प्रतापी था, उसने एक हाथ में शंकर सहित उन्होंने पूरा कैलाश पर्वत को उखाड़ दिया, इतने पराक्रम रावण था। शंकर जी ने देखा भैया कौन है, ये पर्वत को उखाड़ दिया किसने? इतने में देखा कौन है? श्री रावण। हाँ, इसलिए बड़े कौन हो गए? रावण। एक संत ने कहा बोले अगर रावण को बड़ा बोलोगे ना, मैं तो बोलूंगा जगत में सबसे बड़े बाली। बोले कैसे? बोले जब एक समय बाली तर्पण कर रहा था पानी में, और रावण पिस्सो को जय करने के लिए निकला, सुना बाली बड़ा पराक्रमी, देखा बाली ढूंढते ढूंढते वो समुद्र जल में ना तर्पण कर रहा था, सूर्य को तर्पण पानी दे रहा था। रावण जाकर के पानी को एकदम घोला बना दिया। रावण ने देखा ये सब कौन डिस्टर्ब कर रहा है, देखा ये कौन है? बाली ने देखा ये कौन है? बोले रावण। उन्हें रावण को इसे पकड़ा और बगल में 6 महीना तक दबा कर रखा। रावण भूल गया, बाली भूल गया, मैंने रावण को बगल में दबा करके रखा। इतने में रावण ने जो चिट्ठी काटते है ना, चिट्ठी जैसे काटने लगा। बाली बोला ये चिट्ठी कहाँ काट रहा है? वो हाथ को ऐसे उठा दिया तो रावण गिरा तो भगा हुआ से, फिर कभी उन्होंने मोड़ कर भी नहीं देखा। बोले जगत में सबसे बड़े कौन हो गए? बाली। किसने कहा अगर बोले को बाली जगत में बड़े, मैं बोलूंगा उनसे भी कोई बड़ा। बोले कौन है? बोले प्रभु राम है। बोले कैसे? बोले इतने बड़े जो बाली पराक्रमी, उसी समय उनके बाली के बराबर पराक्रमी पृथ्वी में कोई नहीं था। उसको वरदान मिला था, उसको साथ में जो युद्ध करने के लिए आएगा, जो युद्ध करेगा बाली, उसका आधा बल अपने आप ले जाएगा, अपने आप आधा बल ले जाएगा। बाली के पराक्रमी कोई नहीं था, लेकिन ऐसे बाली को प्रभु राम ने एक बाण में ही उन्होंने
बाली को समाप्त कर दिया। इतने बड़े जगत में बड़े कौन हो गए? भगवान राम। सबके सब स्वीकार कर दिया, जगत में अगर कोई सबसे बड़ा है ना प्रभु राम। इतने में कोई एक रस्सी की भक्त था, बोले भैया भगवान से भी कोई बड़े है। बोले भगवान से बड़े कौन हो सकता है? बोले मैं बताऊंगा ना। बोले बताओ कहाँ पर लिखा हुआ भगवान से भी कोई बड़े? बोले कभी जयदेव ने ये भजन में लिखे। देखो भजन में क्या कहते हैं, बोले जय जय दे बहारे, जय जय दे बहारे, जय जय दे बहारे, जय जय दे बहारे, दिन मणि मंडल कहते जो मुनि मतलब जो भगवान की जो भक्त है उनका हृदय कैसे, बोले एक मानस सरोवर, एक सरोवर जैसे, बोले भगवान कैसे जैसे एक मानस सरोवर में एक हंस क्रीड़ा करता है, हंस जैसे उसमें क्रीड़ा करता है, भगवान हंस रूप में भक्तों के हृदय रूपी मानस सरोवर में वो क्रीड़ा कर रहे हैं। बोले इतने बड़े जो भगवान है उनको हृदय में किसने बांध दिया? भक्त। इसलिए जब दुर्वासा जी जब भगवान को पास में गए, जब उनको सुदर्शन चक्र पीछा किया, जब ठाकुर जी को पास में गए ना, ठाकुर जी क्या बोले? बोले साधव हृदय मुझ्यम साधु नाम हृदयंतुम माद अन्न ते ना जानती ना अहम ते भमनागपि। बोले ब्राह्मण दया कैसे होता है? बोले हृदय से होता है, दया हृदय से होता है ना, लेकिन मेरे पास में मेरे हृदय नहीं है, मेरे हृदय तो भक्त के पास में और भक्त का हृदय मेरे पास में। अगर तुम मेरे दया पाना चाहते हो ना, भक्त के पास में जाओ। हाँ बोले साधव हृदय मुझम, बोले साधु लोग मेरे हृदय में, साधु का हृदय, बोले मैं कहाँ रहता हूँ? बोले मैं साधु का हृदय में रहता हूँ, साधु अपना हृदय में मेरे को बांध डाले है, इसलिए मेरे कृपा पाना चाहते हो ना जाओ साधु के पास में, वही कृपा कर सकता है, है? इसलिए भक्तों का महिमा इतने बड़ा है, जहाँ पर भगवान भक्तों का प्रेम में इतने वसीभूत हो जाते हैं, ठाकुर जी भक्तों का हृदय से निकल नहीं पाते। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, अभी उन्होंने भजन गाए ना, वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नाम वैष्णव परायण। इसलिए भगवान कहाँ विश्राम करते हैं? बोले वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, भगवान भक्तों का हृदय में विश्राम करते हैं। बोले क्यों विश्राम करते हैं? क्या भगवान को कोई जगह नहीं मिला सोने के लिए? क्या भगवान को कोई जगह नहीं मिला सोने के लिए? भक्तों का हृदय मिल गया। हाँ, उसी दिन प्रेमानंद बोल रहा था ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत।
इसलिए भुक्ति मुक्ति सिद्धि सब अशांत दुखी दुखी। शांत कौन है? बल भक्त का केवल शांत है, क्यों? उनका हृदय में किसी तरह का कामना वासना नहीं। हम विश्राम कहाँ करते हैं? जहां पर एकदम साइलेंट हो, पीस ऑफ साइलेंट, तभी तो विश्राम कर सकते हो ना। हई होल्ला जगह वहां थोड़ी विश्राम कर सकते हो, क्योंकि भक्त का हृदय एकदम हई होल्ला है ही नहीं। हम किसको पास में जाएंगे रोज रोज? जो हमारी सेवा करेगा, हा? जो हमारी सेवा करेगा, हमें आदर करेगा, हमें बढ़िया बढ़िया खाना खिलाएगा। भक्त क्या करता है? भगवान से कोई चीज नहीं मांगता है, न धनम न जन्म न सुंदरी। कविता भक्त भगवान से कुछ चीज को प्रार्थना नहीं करता है। अगर भगवान बोले भक्त तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए? बोले प्रभु आपकी चरण की सेवा। बोले पहले तो सेवा कर ही रहे हो, फिर सेवा मांग रहे हो, इसलिए भगवान भक्तों को पास में एकदम एकदम भक्तों के पास में भगवान एकदम ऋणी हो जाते हैं। भक्तों के पास में ले लेकर ऋणी हो जाते हैं, इसलिए भगवान कभी कभी कहते हैं ये भक्तों के पास में मैं इतने ऋणी हो गया, इतने ऋणी हो गया। जैसे एक व्यक्ति से केवल लो 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 लो, फिर क्या होगा? ऋणी हो जाओगे, कुछ तो देनी चाहिए। केवल अगर लोगे लोगे तो क्या हो जाएगा? ऋणी हो जाओगे, इसलिए कुछ तो देनी चाहिए ना। भगवान सोचते हैं भैया भक्तों को मैं क्या दूं, क्या दूं? इसलिए भगवान सोचते हैं अगर भक्त थोड़ी सा अपना चरण धूलि दे देना, मेरे जीवन में धन्य हो जाएगा। भक्त अगर थोड़ा अपना चरण धूलि मुझे दे दे, मेरे जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन अगर भगवान भक्तों का चरण धूलि लेना चाहेंगे, कोई भक्त देगा? कोई देगा? कोई भक्त कोई देगा नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं अनुब्रजामि अहम नित्यम पूये एत अंगिर रेणुहि। इसलिए जब भक्त चलते हैं ना, मैं छुप छुप करके उसको पीछे छुप छुप करके चलता हूँ, छुप छुप करके। बोले क्यों? इसलिए भक्त तो चरण धूल देगा नहीं, जब चलेंगे धूल को ऊपर, धूल तो उड़ेगा, उड़ेगा अपने आप मेरे सर के ऊपर पड़ेगा, तो भगवान कहते हैं मैं पवित्र हो जाऊंगा। देखो भक्तों का इतना महिमा है। भगवान कहते हैं ऐसे जो मेरे शुद्ध भक्त है उनका चरण धूल लेने के लिए मैं पीछे 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 चलता हूँ। इतने भक्तों का महिमा। इसलिए ये भजन में क्या कह रहे हैं? मुनि जन मानस हंस जय जय धावते भर। भगवान सहज में क्या चरण धूल ले लेंगे? कैसे भक्त होनी चाहिए? ऐसे भक्त होनी चाहिए, एकदम शुद्ध भक्त होनी चाहिए, हैं? और शुद्ध भक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कलिजुग केवल नाम आधारा और सुमिरी सुमिरी ना उतरा। इसलिए कलिजुग में भगवान के शुद्ध भक्त होने के लिए केवल एक ही उपाय है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस भगवान का नाम जप करने पर एक दिन हम भगवान के शुद्ध भक्त हो सकते हैं। प्रति वृंदावन बिहारी लाल की। बोले जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। हरे कृष्ण 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 हरे
जब श्री नंद बाबा का घर में श्री गर्गाचार्य आए उनका बच्चे का नाम करने करने के लिए, उसी समय नंद बाबा गर्गाचार्य को कहते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बोले महत विचलनाम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम निस्रसाय भगवत अन्यथा कल्पते कुचित। ये जो श्लोक है ना, इसको नोट करके रखनी चाहिए और इसको बाद में याद कर लेनी चाहिए। हाँ, जिसको अच्छी हरि कथा सीखने का इच्छा है ना, इसलिए नोट करके रखनी चाहिए। कहते इसका मतलब है श्री नंद बाबा कौन है, बोले भगवान का पिता है, वो साधारण नहीं। बोले कृष्ण कौन है, बोले पूर्ण ब्रह्म और सनातन है। कृष्ण साधारण नहीं, ये पूर्ण ब्रह्म और सनातनी भगवान कृष्ण स्वयं आनंद स्वरूप रस स्वरूप है। और नंद बाबा इतने सौभाग्यवती, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये नंदो जसोदा ने इसे क्या पुण्य किया है। बोले पप्पम जस स्तनम हरि, भगवान सारा दुनिया को खिलाने वाले भगवान है, लेकिन कृष्ण को खिलाने वाले कौन है। बोले मैया जसोदा, कृष्ण मिनट मिनट में मचलते, बोले मैया मेरे को दूध पिला दे, मैया मेरे को भूख लग रहा है, मेरे को दूध पिला दे। मचलते हैं मैया की गोद में चलने के लिए, उठने के लिए हैं। इसलिए बोले नंद बाबा, अगर नंद बाबा कभी कन्हैया को कहते बोले लाला थोड़े मेरे जूते ले आओगे, कृष्ण ठुमक 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 कर कृष्ण चलते हैं
और कृष्णा ज्योति को उठा करके हाथों में नहीं अपना सर पर रख करके कृष्णा ठुमक 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 करके आते हैं। नंदबाबा कहते देखो मेरे लाला कितने अच्छा है, है? मेरे लाला कितने अच्छा है देखो। मैंने कहा ज्योति ले आओ, हाथों में नहीं लाए, कैसे ले आए? सर पर रख करके ले आया। लाला जब बड़ा होगा ना पिता माता को बड़ा सेवा करेगा, है? हर पिता माता यही चाहते ना जब हम बूढ़े हो जाए बच्चे हमारी सेवा करे, है? यही चाहते है, बोले बच्चा बड़ा होकर के हमारा बड़ा सेवा करेगा हमारा लाला। नंद बाबा बड़े प्रसन्न, नंद बाबा बड़े खुश होते हैं। इसलिए श्री नंद बाबा ये बात को स्वयं नंद बाबा कह रहे हैं कि ये साधु संघ की क्या महिमा है, साधु हमारी घर में क्यों आते हैं, इसका कारण क्या है। इसलिए श्री नंद बाबा इसलिए कहते हैं साधु रो स्वभाव ऐ तारिते पामर निज कार्य नाही जब तान जान पर गर। साधु लोग बड़े दयालु होते हैं, साधु लोग बड़े कृपालु होते हैं, इसलिए घर गृहस्थी के घर में इसलिए जाते हैं। बोले क्यों? इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बोले जीव जाग गोरा चांद बोले कत निद्रा जाओ माया पीसा चीर खोले भजे बबलिया ऐसे संसार बिता रे घर में आते, संत क्यों आते हैं? कहते हमने भगवान के पास में कसम खा कर खाए थे 7 महीना बोले प्रभु और हमें ये दुनियादारी नहीं चाहिए, ये घर गृहस्थी हमें नहीं चाहिए। हम समझ गया मातृगर्भ में जब दुख पाता है कष्ट पाता है मैं समझ गया संसार में कोई किसी का नहीं, ये संसार झूठा संसार है। एक बार केवल हमें चांद से दो, केवल ये नर्क से पेट से निकाल दो, प्रभु मैं प्रतिज्ञा करता हूँ ये झूठे संसार में और फंसूंगा नहीं, उठते बैठते सोते तेरा नाम तेरा भजन तेरे भक्ति करूंगा। भगवान कह रहे हैं सच कह रहे हो ना, क्या अभी कष्ट भोग कर रहे हो इसलिए कह रहे हो भजन करोगे? ऐसे नहीं दुनिया में जाते ही पिता माता भाई बंधु का प्यार पाकर भूलते भी जाओगे? बोले प्रभु एकदम नहीं भूलूंगा, एकदम नहीं भूलूंगा, तेरा भजन करूंगा। भगवान ने कहा देखो अगर भूलोगे ना बीच बीच में वारनिंग भी दूंगा। बोले क्या वारनिंग दोगे? बोले जब एक बाल पक जाए ना फर्स्ट वारनिंग। अब लक्ष्य करके देखना जब बाल पकता है ना ठीक कान के पास में यहीं से बाल पकना शुरू होता है, किसी को देखना ये कान के पास में पहला बेल पड़ गया। बोले पहला बेल पड़ गया तू भगवान से बोल करके आया था ना भजन करोगे? कितने माला कर रहे हो, कितना टीवी देख रहे हो और कितने गप्पे न्यूज पेपर कितने नाटक नवल पढ़ रहे हो और कितने भजन कर रहे हो, लेकिन उसका वारनिंग को हम नहीं सुनते हैं। एक बाल पक गया उसको उखाड़ देते हैं। बोले हम बूढ़ा बूढ़ी कुछ नहीं हुए, हम इतना जल्दी थोड़ी बूढ़ा बूढ़ी कर ले। फिर जब दूसरा बाल पकता है ना फिर उसको भी उखाड़ देते हैं। बोले थोड़ी हम इतना बूढ़ा बूढ़ी हो गए तुम बाल पका रहे हो हमारी। फिर जब तीसरा बाल पक जाए फिर चौथा जब फिर खिचड़ी बन जाता ना फिर कलर लाते मेहंदी ला कर के फिर बाल को हाँ फिर रंगा देते हैं। कहते अभी हमारा कुछ नहीं हुआ है। भगवान कहते फिर तेरे को मैं दूसरा बाल नहीं दूंगा। बोले क्या? बोले आंखों में कमजोरी आ जाएगी देखना, है आंखों में देखना कमजोरी आ जाएगी। फिर हम बढ़िया चश्मा लेकर के कगले से लेकर फिर हीरो बनते हैं। अभी हमारा कुछ नहीं हुआ है, अभी हमारा कुछ नहीं हुआ। भगवान कहते हैं फिर चौथा वार्निंग दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले जो खिलखिला कर हंस रहे हो ना एक एक दांत तोड़ना शुरू कर दूंगा, है एक एक दांत तोड़ना शुरू कर दूंगा। फिर हम क्या करते फिर डेंटिस्ट के पास में जाते हैं, फिर रेणु के पास में जाएंगे फिर बढ़िया दांत लगाएंगे, हाँ खिलखिला कर हंसेंगे। बोले हम थोड़ी बूढ़ा हो गए हैं। फिर भगवान कहते फिर चौथा वार्निंग दोगे। बोले क्या? बोले तो कमर तोड़ दूंगा, डंडा लेकर चलना पड़ेगा तुमको, फिर हैं डंडा लेकर चलना पड़ेगा। भगवान कहते हैं फिर फिफ्थ वार्निंग नहीं दूंगा, फिर राम नाम सत्य हैं बस खत्म कर दूंगा। इसलिए यहाँ श्री भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं हमने जो भगवान से कसम खा कर आए थे भजन के लिए साधु लोग इसलिए आते हैं हमें याद दिलाने के लिए। बेटा क्या कर रहे हो? भगवान से बोल कर आए थे ना हरिनाम करोगे भजन करोगे,
ये समय को क्यों बर्बाद कर रहे हो बेटा, जगो उठो हरि नाम करो, समय को बर्बाद मत किया करो है। लेकिन हम दिन भर क्या करते हैं, सवेरे से लेकर शाम तक ना, सवेरे उठते ही घर में हल्दी है कि नहीं, तेल है कि नहीं, नमक है कि नहीं, आटा है कि नहीं, ब्रेड है कि नहीं, बटर है कि नहीं, देखना सवेरे से हम शाम तक हमारे दिमाग में ना हल्दी नमक और चीनी यही घूमती रहती है हमारे दिमाग में। यही दिमाग में हमारी 24 घंटा एक चीज हम घूमती रहती है, लेकिन हम भगवान को भूल जाते हैं है? इसलिए कहते भजी वो बोलिया ऐसे संसार भीतर भूलिया। इसलिए श्री नंद बाबा कहते गर्गाचार्य जी को आज हमारे घर में अहोभाग्य हो गया। नंद बाबा कह रहे बोले क्यों, बोले घर में संत आए, घर में हरि चर्चा होगी, घर में हरि कीर्तन होगी, संतों का चरण धूलि पड़ेगा। नंद बाबा कह रहे हैं जब तक तो घर में साधु नहीं आए, जब तक तो घर में हरि चर्चा नहीं हो, जब तक तो घर में हरि कीर्तन नहीं होता है ना, कभी घर पवित्र नहीं होता है। ये गृह हमारी पवित्र नहीं होता है, इसलिए नियम है घर में भक्तों को बुला करके घर में कीर्तन हरि कथा करने पर हमारे घर का सारे पाप खत्म हो जाता है, घर हमारा क्या बन जाता है। बोले यदि न गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाए, जब घर में हरि कीर्तन हरि भजन हो हमारा घर भगवान का गोलोक धाम बन जाता है, है? इसलिए श्री श्यामा प्रिया प्रेमवती उन्होंने भक्तों को बुलाया, घर में हरि कीर्तन हर घर में हरि कथा हो रही, ये बड़े भाग्य से मिलता है, है? ये बड़े चीज बड़े भाग्य से मिलता है सब चीज। इसलिए हम लोग पहले श्रवण कर रहे थे, स्वर्णकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को 6 प्रश्न किया था, 6 प्रश्न में जो दूसरा प्रश्न है कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है। आज हम लोग कुछ सब रोज कुछ कुछ भक्त बोल रहे थे, आज कौन बोलेगा, नवीन प्रभु बोलेगा, त्रिवेदेश्वरी बोलेगी, दोनों बोलोगे ना, थोड़ी देर बोलना। अभी मैं एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुना, देखो बोले एक समय की रामायण की कथा है, भगवान का नाम की महिमा देखो। बोले एक समय सुकांत नाम के एक जन राजा थे, वो सत्संग में जा रहे थे, जब सत्संग में जा रहे थे इतने में बीच में नारद जी मिले, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले सत्संग में जा रहा हूँ। बोले बहुत अच्छी बात, सत्संग में जानी चाहिए बेटा। जब फिर जाने लगे बोले सुने इधर सुने, बोले एक काम करना, वहां पर जा करके सब संतों का तो प्रणाम करना, बोले आप लोगों ने तो सिखाया, पहले जा करके ऐसे नहीं जाकर झट बैठ गए, नहीं पहले जो संत बैठे हुए जिनसे हम ज्ञान आहरण करेंगे, सबसे पहले संतों का चरण में प्रणाम करना, बोले आप लोगों ने तो सिखाया, प्रणाम तो करेंगे, बोले लेकिन एक काम करना, लेकिन सबको तो प्रणाम करना लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना। बोले ऐसे क्यों, बोले बोला ना, बोले क्यों, सबको जब प्रणाम करूंगा विश्वामित्र से प्रणाम करूंगा, बोले क्या जरूरत, पहले वो भी क्षत्रिय था विश्वाम, उसके ऊपर बड़ी लंबी कथा है, पहले विश्वामित्र क्षत्रिय थे, फिर उन्होंने तपस्या करके फिर उन्होंने ये संत बने, पहले वो क्षत्रिय, बोले तुम भी क्षत्रिय वो भी क्षत्रिय, क्या जरूरत उनको प्रणाम करने का। बोले ठीक है, नारद जब कह रहे हैं प्रणाम नहीं करूंगा, उन्होंने गए सारे संत समाज बैठे हुए, उन्होंने सबको एक एक कर चरणों छुए प्रणाम किए, लेकिन उन्होंने विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। अगर सारे संत बैठे हुए सबको एक एक प्रणाम करो और बीच में विश्वामित्र जैसे ऋषि अगर उनको प्रणाम नहीं करो सबको सामने, कितना बड़ा लज्जा की बात, कितने बड़े शर्म की बात, विश्वामित्र तो आग बबूले हुए, बोले क्या सबको प्रणाम किया और मेरे को प्रणाम नहीं किया, एकदम बड़ा क्रोधित हो गए। सत्संग खत्म होते ही सीधा राम दरबार में आए, उस समय दोपहर का समय था, भगवान राम विश्राम कर रहे थे, इतने में विश्वामित्र जी ने कहा अभी प्रभु राम से मिलना चाहता हूँ। बोले प्रभु विश्राम कर रहे हैं, बोले राजा होकर विश्राम करेगा तो ऐसे ही होगा, बोले मतलब क्या बताओ, बोले नहीं मतलब क्या हम राम को बताएंगे। इतने में जब लक्ष्मण और उस विश्वामित्र में इस बात तर्क वितर्क हो रहा था, प्रभु राम विश्राम कर रहे थे, प्रभु राम को नींद खुल गया, इतने में प्रभु राम बाहर निकले करके आए, बोले क्या बात है, बोले क्या बात है, राजा सोएगा तो ऐसे होता है, बोले भरी सभा में हमारी अपमान हुई है, बोले भरी सभा में अपमान हुई, बोले अपमान आपको किसने किया है, किया किसने, बोले सुकांत ने मेरे को अपमान किया, सारे संत समाज को उन्होंने प्रणाम किया और बीच में मेरे को प्रणाम नहीं किया,
इतने में भगवान राम ने कसम खाकर कहा, बोले मेरे गुरु जी विश्वामित्र गुरु जी है ना, उनको धनुर्विद्या उन्होंने सिखाया था, इसलिए उनको गुरु जी बोले, मेरे गुरु जी को जो अपमान किया कल सूर्यास्त पहले उसका मैं सर काट दूंगा। इतने में भगवान का प्रतीक क्या, भगवान सत्य व्रत है, उनका व्रत सत्य होता है। इतने से जब सुकांत को पता चला भगवान ने प्रतिज्ञा की कल सवेरे सर काट देंगे, सुकांत तो कांप उठा। भगवान अगर कोई बोले, साधारण कोई व्यक्ति बोले कोई बात अलग है, अगर भगवान अगर कोई बोले सवेरे इनका मस्तक काट दूंगा, वो तो सुन करके कांप गया, वो तो रोने लग गए, रोने लग गए। नारद जी को ढूंढे लेकिन मिले ही नहीं नारद, बोले देखो जब जरूरत नहीं था नारद तो मिले, जब जरूरत तब नारद नहीं मिल रहे। ये नारद हम कहते ना कि नारद का काम कर रहे, मतलब झगड़ा लगाने, कि नारद वाले झगड़ा लगाने वाले, बोले जब जरूरत नहीं था तब मिले, जब जरूरत तब मिल नहीं रहे। बैठ करके बड़े जोर जोर से रोने लग गए। इतने में नारद जी रोना देख करके नारद जी प्रकट हुए, बोले क्या बात, बोले क्या बात, आपने कहा विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना, अभी विश्वामित्र जी राम को बोले, राम ने कहा कल सूर्यास्त के बाद में मेरे गला काट देंगे, बंद कर देंगे, अभी बताओ क्या होगा। बोले मरना, सबको इतने मरना पड़ता है। बोले जगत में तो ये मरते जगत है ना, एक दिन लड़के सब मरेंगे, हाँ जो जन्म लिया वो मरेगा, हाँ तब तो उसमें बड़ी भारी बात किया है। बोले मैं राम मरना चाहते हैं, बोले अच्छी बात है। क्योंकि भगवान का हाथ में कोई मरे ना, कहते हतारी गतिदायक भगवान क्या के नाम, उनका हाथ में कोई मरे उनको मुक्ति मिली जाती, बोले अच्छी बात है भगवान के हाथ में मुक्ति हो जाएगी। बोले मैं मरना नहीं चाहता, बोले यही तो वीडियो बना, जगत में कौन मरना चाहते बताओ, जगत में कोई मरना चाहते हो, बोले कोई मरना नहीं चाहते, जब दुनिया है कोई मरना चाहते बताओ। बोले इतने में बोले नहीं, आप कोई उपाय बताओ, मेरे को उपाय बताओ। बोले देखो एक काम करो, अगर मरना नहीं चाहते ना, वहां पर जाओ, ये अंजना माता की गुफा है, अंजना, अंजना कौन है, हनुमान जी की माँ है, अंजना माता की गुफा है, जाओ वहां बैठ करके रहो, जब अंजना माता आएगी ना उनको पहले कसम खिलाओ फिर ये बात बताना है। इतने में जा करके तो सुकांत जी अंजना माता की गुफा में सामने बैठ कर रोने लग गए। इतने में माता जी रोना सुन करके बाहर निकल, बोले बेटा क्या बात है। बोले माँ आपका शरण में आया हूँ, मेरे प्राण बचाओ। बोले बेटा कोई चिंता मत करो, मैं तेरा प्राण बचाऊंगा। क्या हो गया बेटा बताओ। बोले विश्वामित्र जी मुझे कल मरवाना चाहते, विश्वामित्र जी मेरे को मरवाना चाहते। बोले कोई बात नहीं बेटा, तुम माँ की शरण में आ गए हो, जितना दूर होगा तेरे को मैं बचाने के लिए कोशिश करूंगा। बेटा एक काम कर, गुफा के अंदर में बैठो। अभी हनुमान जी रोज प्रभु का सेवा करके शाम को वापस आते हैं। जब हनुमान जी वापस आए, इतने में अंजना माता को देखा बड़े दुखी होकर बैठी हुई। बोले माँ तू दुखी क्यों, माँ की दुख। बोले बेटा एक काम कर सकते। बोले माता की आज्ञा बताओ, क्या आज्ञा माता जी की, माता जी की आज्ञा पालन करने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ माँ। बोले पहले तुम कसम खाओ फिर तुम्हें बताऊंगा। बोले क्या। बोले सुकांत को ये विश्वामित्र मरवाना चाहता है, इसलिए बेटा उसको प्राण रक्षा करना पड़ेगा। बोले माता जी कोई चिंता नहीं, कल मैं प्राण रक्षा करूंगा सुकांत को। इतने में सुकांत को बुलाया, बोले क्या बात। बोले ऐसे ऐसे कल प्रभु मेरे राम मेरे को मारना चाहते। उसको माता जी ने कहा तूने राम का नाम नहीं लिया, तू तो कहा था विश्वामित्र मरवाना चाह रहे, तू ये बता रहा था, अभी बता राम मारेंगे, हनुमान तो विपत्त में फंस गए, विश्वामित्र हो कोई बात नहीं, अगर उनको प्रभु अगर मारने के लिए प्रतिज्ञा की। बोले तू तो मेरे को बीच में फंसा दिया। बोले विश्वामित्र इनको उधर मरवाना चाहते हैं, इसलिए मैंने विश्वामित्र का नाम लिया, हनुमान तो बीच में फंस गया प्रतिज्ञा करके। बोले ठीक है अभी क्या करना पड़ेगा। एकदम हनुमान जी सवेरे सवेरे जब गए, देखा भगवान राम एकदम सज धज करके संन्यास सामंत लेकर तैयारी हो रहे दुष्टों को मारने के लिए। हनुमान जी ने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हो। बोले सुकांत को मारने के लिए। बोले प्रभु बात छोड़ो, छोटी सी बात छोड़ दो, मार कर क्या होगा, प्रभु छोड़ दो उसको, प्रभु छोड़ दो। बोले नहीं, उन्होंने मेरे गुरु जी की, उन्होंने मेरे गुरु जी को उसने अपमान की है, मैंने प्रतिज्ञा की, मैं सत्य व्रत हूँ, जो प्रतिज्ञा करता हूँ प्रतिज्ञा को मैं पालन करता हूँ,
इसलिए मैं जरूर उसको मारूंगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने भी प्रतिज्ञा की है उसको रक्षा करने के लिए, उसको रक्षा करने के लिए मैंने प्रतिज्ञा की, आप मारने के लिए प्रतिज्ञा की और मैं उनको रक्षा करने के लिए मैंने प्रतिज्ञा की है, इसलिए तुमने भगवान का ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने जो प्रतिज्ञा की तुम मेरे ऊपर प्रतिज्ञा की इसलिए उसको तो मैं मार कर छोड़ूंगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप जो कुछ, आपको जो कुछ करना आप ही करो। इतने में हनुमान जी चले गए सुखांत के पास में और उसको ले करके ना राज्य से बोले चलो, बोले कहाँ, बोले जंगल में चलो, उसको ले करके बोले एक काम करो यहाँ बैठो, बैठ करके भगवान का हरि से बड़ा हरि का नाम है, हरि से बड़ा हरि का नाम है, बैठ बैठ करके बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, पूछ रहे हैं बोले प्रभु हनुमान जी रक्षा हो जाएगा, कुछ डर भगवान प्रतिज्ञा की ना, बोले केवल राम नाम के बोले दो अखियर, ये दो अखियर से मेरे को मैं बच जाऊंगा दो अखियर से, बोले चिंता क्यों करते हो, शास्त्र ने बताया गोस्वामी तुलसीदास नाम जप मेरा दृढ़ विश्वास है, भगवान का जो नाम है भगवान से बढ़कर के भगवान का नाम, इसलिए भगवान का नाम को दृढ़ विश्वास करके जप करनी चाहिए, चिंता मत करो दृढ़ विश्वास करके प्रभु का नाम जब, क्यों हरि से बड़ा हरि का नाम है, चिंता मत करो। इतने में भगवान राम ढूंढते ढूंढते पहुंचे सुकांत का राज्य में, बोले सुकांत कहाँ गया, घर में है कि नहीं, बोले एक बंदर आकर ले गया बोले एक बंदर आकर ले गया, प्रभु तो समझ गए ये हनुमान लेकर गया, ये कुछ गड़बड़ी करेगा, बंदर लेकर गया। इतने में भगवान राम लक्ष्मण को पूछा देखो हनुमान गया क्या, बोले प्रभु आप हनुमान को जानते हो, हनुमान आपको जानता है, क्योंकि भक्त भगवान को जानता और भगवान भक्तों को जानते हैं, क्योंकि भक्त के बगैर भगवान नहीं और भगवान के बगैर भक्त भी नहीं, बोले प्रभु आपकी बात आप जानते हो, हम कुछ हमें पूछो मत, आपकी लीला आप जानते हो, आप लीलाधारी हो, हमें ये बात पूछा, चलो चलो वहां पर जाकर के देखा हनुमान जी हैं को पीछे सुकांत बैठा हुआ, उसको बैठा दिया, बैठा करके बोले भगवान का नाम जप करो। इतने में जब सुकांत ने देखा भगवान अपना सैन्य सामंत को लेकर के आए, वो जो नाम जप कर रहा था ना भूल गया जप करना और डर गया, डर करके बोले ये नाम क्या रखा करवाएगा, डर गया। इतने में हनुमान जी उसको अपना पूंछ को नीचे छुपा दिया, बोले यहीं पर बैठो तुम। इतने में भगवान राम ने बोले हनुमान इसको तुमने शरण दिया इसलिए इसको छोड़ दो, बोले प्रभु ये मेरे शरण लिया है। इतने में भगवान राम ने उठाया बाण और जब उन्हें मारने गए ना, लेकिन वो नाम क्या जप कर रहा था, भगवान का नाम जप कर रहा था, हैं देखो भगवान का नाम में कितने शक्ति, हरि से बड़ा हरि का नाम हैं, इसलिए कहते हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, I'm
सब पार हो गए। इसलिए जब राम ने बाण मारे, वो तो भगवान का नाम जप कर रहे हैं हनुमान जी, और उसको छत्र छाया में सुकांत को रखे। जब वो बाण मारते हैं ना, राम नाम रूपी जो चक्र है, वो बाण जाकर के चक्र में लग कर वही गिर जाता है, लेकिन सुकांत का कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ना जो नाम है हरि से बड़ा हरि का नाम, वो चक्र में जाकर के लगता है और बाण वही गिर जाता है। भगवान बोले ये मेरा बाण काम नहीं कर रहा है। राम बाण कैसे जानते हो? राम बाण उदाहरण दिया है, जब भगवान राम उसको पकड़ते हैं ना, वो एक गुण होता है, जब निकालते हैं वो 10 होता है, जब चढ़ाते हैं 100 होता है, जब खींचते हैं 1000 होता है, जब प्रहार करते हैं वो 1,00,000 होता है, जब लगता है प्राण को ले लेता है। इसलिए आप लोग रामायण देखे होंगे, जब रावण युद्ध करने गया प्रभु राम से, प्रभु राम जब बाण मारते थे रावण को ऐसे पराजित किया, रावण ने कहा मैंने विष्णु से मैंने युद्ध किया, मैंने ब्रह्मा जी से युद्ध किया, शंकर जी से युद्ध किया, लेकिन ये राम पता नहीं ये बाण कब छूटता है और कब प्रहार करता है हम पता नहीं चलता है, ये क्या राम की बाण है। लेकिन वो राम बाण भी राम को नाम को सामने राम बाण भी कुछ नहीं, विफल हो जाता है। वो आश्चर्य में पड़ गए। लक्ष्मण ने देखा ये तो प्रभु को बड़ा तंग कर रहा है, कि तंग कर रहा है। उन्होंने सुकांत को राम नाम रूपी चक्र में बैठा कर रखा। इतने में लक्ष्मण ने बाण उठाया, जब उन्होंने मारे इतने में हनुमान जी की बख्खे में लगा तो हनुमान जी के बख्खे में लगते ही ना प्रभु राम बेहोश हो गए। लगा हनुमान के बख्खे में, लेकिन बेहोश कौन हो गए? राम बेहोश हो गए। लक्ष्मण बोले ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये राम क्यों बेहोश हो गए? बोले ये हनुमान कुछ गड़बड़ी करता है, हाँ हनुमान कुछ गड़बड़ी कर रहा है। जब उन्होंने गए और हनुमान जी को बख्खों को देखा ना, उसके हृदय में देखा सीताराम, उसके हृदय में सीताराम के निवास। बाण मारकर हनुमान को, लेकिन लगा कहां पर? प्रभु राम का, क्यों? उसके हृदय में सीताराम के निवास है। फिर तो समझ गए नहीं, ये हनुमान जी साधारण नहीं है, इनकी शरण में ये सुकांत आया। इतने में भगवान सुकांत को बताया, बोले तुम्हारी ये जो ये दुर्बुद्धि, ये तेरे को ये दुर्बुद्धि कहाँ से आई? तुमने ये विश्वामित्र हमारे गुरु जी उनको प्रणाम क्यों नहीं किया? ये दुर्बुद्धि कौन सा कुसंग से आई? बोले कुसंग से नहीं, सत्संग से आई। बोले कुसंग से नहीं, बोले सत्संग से। बोले सत्संग से, बोले कौन सत्संग से आई? बोले नारद जी। ये नारद जी भी सत्संग से आई, हाँ क्यों? नारद बताए थे ना विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना, नारद जी। बोले कुछ संग से नहीं, सत्संग से आई। बोले भैया कौन सा सत्संग? बोले नारद रूपी सत्संग। बोले नारद कहा? इतने में नारद जी जग प्रकट हुए। इतने में भगवान राम ने कहा, नारद जी ये बताओ तुमने उनको इतने गलती चीज क्यों सिखा दी? उसको गलती चीज उन्होंने तुमने क्यों सिखा दी, हैं? गलती चीज तुमने क्यों सिखा दी? इतने में नारद जी ने कहा, प्रभु
इसमें एक रहस्य है। बोले क्या रहस्य है? मैं बोले मैं जहां मैं सर्वत्र प्रचार करता हूँ तुम्हारे नाम को प्रचार करता हूँ, सारा दुनिया में तुम्हारे नाम प्रचार करता हूँ, लेकिन सब लोग मेरे को एक ही प्रश्न करते हैं, भगवान बड़ा ना उनका नाम बड़ा। सारा दुनिया मेरे को एक ही प्रश्न, भगवान बड़ा ना उनका नाम बड़ा। और किसको किसको मैं कितना जवाब दूं? मैंने सोचा ऐसे अगर नाटक रचो जो अपनी आप दुनिया को पता चले जाए भगवान से उनका नाम बड़ा, इसलिए प्रभु मैंने ये काम किया। जो इतना बोले इतने में विश्वामित्र जी आ गए, जब विश्वामित्र जी आ गए इतने में नारद जी सुखा तो बोले जल्दी जल्दी जा विश्वामित्र जी के चरण में गिर पड़। बस सुखात गए और विश्वामित्र के चरण में गिर पड़े। अपराध तो हो गया था सुखा विश्वामित्र जी के चरण में, तो सुखात जी ने विश्वामित्र के चरण में गिर पड़े। जो संत होते हैं ना वो संघार नहीं करते हैं, वो संस्कार करते हैं। वो संघार नहीं क्या करते हैं? संस्कार करते हैं, परिवर्तन करते हैं, मारते नहीं, जीवन दान देते हैं संत लोग। जब सुखात ने विश्वामित्र के चरण में गिर पड़ा, विश्वामित्र जी ने कहा प्रभु मैंने इसके अपराध को माफ कर दिया, अब भी इसका अपराध को माफ कर दो। बस अपराध माफ हो गया। बस दुनिया में क्या दिखाया? हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। अंत में निकला यह परिणाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। सके ना बिनाई पुल तेरा, धीरा धीरा जिस सागर को लग सके ना बिनाई पुल तेरा, धीरा धीरा कूद गए हनुमान उसी को, कूद गए हनुमान उसी को, लेके हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से चिंता रहती है नाम ना हो बदनाम। मतलब क्या? नामी मतलब प्रभु स्वयं। ये चिंता क्या रहती है? चिंता भैया बदनाम ना हो मेरे नाम। भगवान हर समय ये चिंता करते भैया मेरा बदनाम भला हो जाए, मेरे नाम की बदनाम नहीं होनी चाहिए। इसलिए भगवान का जो नाम लेते हैं हर समय भगवान उसको रखवाली करते हैं, उसको भगवान हर समय रक्षा करते हैं। इसलिए जब से हनुमान जी माता सीता को पता लगा करके वापस आया, प्रभु राम ने पूछा हनुमान जी माता सीता की क्या खबर है? बोले प्रभु आपका विरह में किसी तरह से अपना प्राण को रक्षा की। बोले उसका प्राण कैसे रक्षा हुई? बोले प्रभु आपका नाम को आश्रय लेते हुए, इसलिए केवल रक्षा इसलिए आपका नाम रूपी नाम ही उनको पहरा देकर रखा है, नाम ही सीता को पहरा दे कर रखा, केवल नाम का बल पर केवल वो रक्षा की हुई है। बोले राम में कितने अक्षर है? बोले रा और म इसमें दो अक्षर है, ये दो अक्षर है। बोले दो अक्षर क्यों है? आप बैंक में देखे होंगे, बैंक में और पहरादार आप देखे होंगे, बैंक में भी एक पहरादार रहता है गेट कीपर, और घर में भी एक गेट कीपर रहता है, दो कीपर, लेकिन दोनों का अलग काम है। अब देखना बैंक में जो पहरादार रहता है
उसका क्या काम है, उसका क्या काम है, कोई दुष्ट बदमाश ही अंदर में नहीं जाए, उसको रोकने का ये काम है, ये रोकने का काम। बोले घर में जो पहरादार रहता है इसका क्या काम है, हाँ इसका क्या काम, कहते ये उसका काम है कोई दुष्ट व्यक्ति जैसे अंदर में नहीं जाए, और जो वैसे जो पहरादार है कहते घर से कोई दुष्ट व्यक्ति जैसे चोरी करके घर से कोई नहीं ले जाए, हाँ ये दो चीज दो 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 पहरादार है। कहते भगवान का जो नाम है ना जो दो पहरादार का काम करता है, भले सीता का काम करती है किस रूप में रखा करता है, भले जो राम का जो नाम है हर समय सीता को पहरादार रूप में रखा कर रहे हैं, जैसे उसका प्राण जैसे चले नहीं जाए, उसकी प्राण जैसे अंदर से चले नहीं जाए, इसलिए पहरादार। दूसरा बाहर से अगर जब महाराज अगर लेने के लिए आता है उसको भी भगवान का नाम रखा करता है, इसलिए बाहर से किसको घुसने नहीं दे रहे और अंदर से प्राण को जाने नहीं दे रहे, ये नाम रूप पहरादार आपको प्रभु रखा कर रहे। कहते सीता प्राण क्यों नहीं छोड़ देती, प्राण छोड़ सकती थी तो उसने प्राण क्यों नहीं छोड़ रही है, बोले एक कारण है प्राण नहीं छोड़ने का। कहते अगर मैं प्राण छोड़ दूंगा ये नाम राम रूपी जो पहरादार है बोले इसकी बदनामी हो जाएगी, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम भगवान, उनका नाम में कोई फर्क नहीं। अगर प्राण चले जाएगा ना बोले भगवान का नाम पहरा दे रहा था प्राण कैसे छूट गया, इसलिए नाम का बदनामी हो जाएगी, इसलिए माता सीता जी प्राण नहीं छोड़ रही है। इसका मतलब है अगर कोई भगवान नाम का कोई अगर आश्रय ग्रहण करे उनको जगत में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जब महाराज भी काल चक्र डराए दिखिया विष्णु दास, अगर नाम का कोई आश्रय ले काल चक्र स्वयं भगवान का नाम का लेने वालों को देखकर डरता है, लेकिन दुनिया डरते हैं काल काल को, लेकिन काल किसको डरता है, भक्तों को। बोले क्यों, बोले नाम उनको आश्रय लिया है, हाँ नाम ही उनको रक्षा करते हैं, इसलिए भगवान का नाम अगर हम जप करेंगे हर समय भगवान नाम हमें रक्षा करेगा। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, हाँ श्री नवीन प्रभु की जय। यू कैन स्पीक समथिंग अबाउट हरि भगवान। इसको बंद कर दे, इस तरफ घुमा दे, उस तरफ को घुमा दे, बंद कर दे, कोशिश करो तुमको देखेंगे एवरीबॉडी। ओ नवीन प्रभु टेलिंग हरि कथा। ओम ज्ञान जीवन दर्शय ज्ञान अंजनाशनाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय नादिताय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। First of all, I want to pay my unlimited dandavat pranams to my Diksha Guru, Om Vishnu Pata Sutra Shri Shivad Bhaktivedanta Ban Maharaj, to my Siksha Guru Bhaktivedanta Shriya Maharaj, to the, all the Guru Varga and all the guests here. I have to speak something about the holy name. Srila Bhaktivinoda Thakur wrote Sri Harinam Chintamani. It is a discussion between Mahaprabhu and Srila Haridas Thakur, which took place in Jagannath Puri. And it's the topic, the subject is the Harinam. So Mahaprabhu gave Sri Haridas Thakur the name Namacharya, and he didn't do it just because he liked it, he had a purpose for it. Because Haridas Thakur, he chanted the name a lot. And there are many pastimes, and I want to tell one pastime. Once there was a political ruler, Ramchandra Khan. And he was very envious of Haridas Thakur, Srila Haridas Thakur,
and he was an atheist, and he sent a prostitute to Haridas Thakur to bring his bhajan down. So the prostitute went to Haridas Thakur, and Haridas Thakur said, I have to chant 3 lakhs, and then I will have time for you. And then after 3 nights, it still didn't happen. And then the prostitute begged his forgiveness and said, yes, Ramchandra Khan sent me. And Haridas Thakur said, yes, I know. He did that because I wanted to go, but I stayed because I want to deliver you from your activities. And then Haridas Thakur said to the prostitute, you have to give all your possessions to the Brahmins, and you need to shave your hair. So she did, and he also said to her that I will leave my tulsi plant here, and there's the Ganga, and you have to do your bhajan here. So she did, and a lot of Vaishnavas paid pranams to her and listened to her Harikatha. So she was delivered because of the holy name, because she heard the holy name out of the lotus lips of Srila Haridas Thakur. So she got delivered. And so we do need to do a bhajan, and there are 2 main enemies of Harinam, of bhajan. One of them is lust, the other one is intolerance. When you're angry, you can do your bhajan because it will bring your bhajan down. And lust, you need to, everyone has lust, but you need to divert it into love and affection for Krishna. An example, Bilwa Mangal Thakur was a very lusty person, and he, in the end, he got delivered, I think, because he chanted the name of Harinam. हरिनाम संकीर्तन की बोले श्री हरिदास ठाकुर की। हाँ देखो हरिनाम में कितने शक्ति है, ये नाइस है, ये थैंक यू। इफ लाइक दिस टेलिंग यू नो सॉरी 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 लिटिल लिटिल वन यू आर वेरी गुड स्पीकर यू नो नाइस। ये भगवान का नाम में कितने शक्ति यहाँ पर दिखाया। जब श्री वेश्या ने वो लखिया हीरा वेश्या वो गई कहाँ पर हरिदास ठाकुर के पास में, और राजा ने भेजा इसको चरित्र को नष्ट कर दो और दुनिया को सामने हम इसको दिखा देंगे कि कितने नीचा आदमी, लेकिन ऊपर से दिखाता है हम कितने बड़े साधु, इसको ट्रांसलेन से कर दो। इसलिए वो दिखाता है हम दुनिया में हम कितने बड़े साधु हैं, इसलिए वो उसको नीचा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि रामचंद्र खान ने देखा देश का राजा मैं, सारा देश को मैं देखभाल करता हूँ, लेकिन सारा दुनिया मेरे पीछे चुगली करते हैं, मेरी निंदा करते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं करता है, बस दिन भर बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना तो करता है, उनको कुछ तो करता नहीं, केवल प्रभु का नाम ही करता है। सारा दुनिया इसका नाम ले रहे हैं, पूरा राज्य में जहां सुनो हरिदास ठाकुर की जय। अभी उसको नीचा देखना, देखो यहाँ सिखा देते हैं भगवान का जो भजन करते हैं ना, कद जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे सब कोई, जिसको पर में भगवान की कृपा हो जाए सारा दुनिया उसको चरण में झुक जाती है। बताओ मीरा ने किया क्या है, तुलसीदास ने किया क्या, हनुमान ने किया क्या, सड़ गोस्वामी किया क्या, जो दुनिया उनको सारा दुनिया जिनकी पूजा कर रही। इसलिए श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ने बताया भक्ति के 3 स्टेज बताया, साधन भाव और प्रेम, 3 स्टेज से बताया। साधन दशा में बताया 2 उसका लक्षण है, बोले क्लेशग्नि और सुभदा। अगर कोई शुद्ध रूप में भगवान की भजन करे ना, पहला जो श्रद्धा स्टेज में बताया साधन स्टेज में, उसका सारे दुख खत्म हो जाती है, और सुभदा मतलब है सारा दुनिया में उसको जयजयकार होता है, सारा दुनिया उसको पूजा करता है।
केवल साधन अवस्था में है, और भाव अवस्था में और प्रेमावस्था में तो कृष्ण सख्यात खींच करके आ जाते हैं, उसको भगवान को पास में जाना नहीं पड़ता, भगवान स्वयं उसको पास में आते हैं। इतने भक्ति की शक्ति है, भक्ति में इतना ताकत है भक्ति में। इसलिए वो रामचंद्र खान सोचता है इसको हम पतन कराएंगे, इसलिए वैश्या को भेजा, बोले कोई चिंता मत करो। वो सचमुच से वो इतने सुंदरी थी, बोले मैं बड़े बड़े व्यक्ति को पछाड़ दिया मैंने, ये क्या कुछ नहीं, देखना एक दिन में पूरा खत्म कर दूंगा इसको हैं। बोले एक काम करो, आप एक गुप्तचर को मेरे साथ में भेजो, दूर से देखते रहे, जब मेरे साथ में फंस जाएगा ना बस जाकर पकड़ेगा उसको। बस हरिदास ठाकुर के पास में गए, वो गंगा किनारा में एक तुलसी पौधा है, छोटी सी कुटिया, रात भर तिल्लाक हरिनाम करते हैं, रात भर हरिनाम जप करते हैं, सोते नहीं। और वो वेश्या बड़ी सुंदरी थी, एकदम बीच रात में साथ धज करके 16 श्रृंगार, द्वादश आभरण और सेंट लगा करके गले में माला, और क्या श्रृंगार उसकी, बड़े सुंदर श्रृंगार करके गए। और हरिदास ठाकुर को बोले, हरिदास तू इतने सुंदर हो हैं, इतने सुंदर तुम्हारी जवानी, और देख मैं कितने सुंदर, हमारी जोड़ी बड़ी प्यारी है, और ये तुम ये सुंदर शरीर को क्या कर रहे हो, दिन भर हरे कृष्ण करते हुए जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो, आओ मेरे संग करो। वो तो गंदी भावना से बताया मेरे संग करो, लेकिन जैसे हम भक्तों का संग करने जाते ना, वैष्णव संग, तो वैष्णव पास में जाओ तो उस संग से क्या मिलेगा, हरि कथा मिलेगी, भगवान की भक्ति मिलेगी। ये तो गंदी भाव से बताई, लेकिन हरिदास ठाकुर ने शुद्ध भाव से दी, बोले मैं तो साधु हूँ, वो मेरी संग चाह रही है, मेरे संग से मैं क्या दे सकता हूँ, हरिनाम तो दे सकता हूँ। बोले बेटी एक काम करो, यहाँ बैठो, मैं तिल्लाक माला पूरी करता हूँ, जब तक ये माला पूरी नहीं करता हूँ ना, तब तक मैं कुछ ग्रहण नहीं करता, इसलिए मेरे माला खत्म हो जाएगा ना, फिर मैं अपना संग प्रदान करूंगा, यहाँ बैठो। बस हरिदास ठाकुर बैठ करके बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर जोर से तुमने नाम किया, जैसे वो वैश्या को कान में पड़े, और वो तो छटपट छटपट कर रहे थे हा भाव को द्वारा उसको गिराने के लिए, लेकिन ये रात भर भजन किए सवेरे हो गया, बोले आज मेरी तो नाम पूरी नहीं हो पाई, इसलिए मैं तुमको संग नहीं दे, कल आना कभी तेरे को नहीं भेजूंगा। दूसरे दिन भी आए, राजा ने पूछा काम हो गया, बोले महाराज कल केवल कल केवल एक रात। दूसरे दिन भी ऐसे, बोले माला पूरी नहीं हुई बैठो। दूसरे दिन भी उसको कान में उसका नाम गया, हरिदास ठाकुर को नहीं, ब्रह्मा और प्रहलाद हैं दोनों, ये मिल करके हरिदास ठाकुर इतने बड़े वैष्णव, और उनका कथा कान में जा रहे हैं उनका नाम। और श्री पृथ्वी महाराज कहते हैं, तुलयाम लवे ना पिना स्वर्ग ना पुनर्भव, जीवन में अगर एक लव साधु संग हो जाए ना, उसको द्वारा इतने महान वस्तु प्राप्त होता जिसको स्वर्ग मुख्य भी बराबर नहीं। जब उसने तीसरे रात में गई ना, बोले थोड़ी बैठ जाओ, आज तेरे को मैं कभी वापस नहीं भेजूंगा, मतलब तेरे को उधार करके छोड़ूंगा, मेरे संग के लिए आए ना, मेरे साधु हो ना, आज तेरे को पूरा भक्त बनाकर छोड़ूंगी। लेकिन उन्होंने तो गलत भाव से ली, वहां पर बैठे हरिदास ठाकुर बैठ करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, चुपचाप बैठ कर कथा सुनी। जब सवेरे हुआ ना, वो रो रो करके हरिदास ठाकुर का चरण में पछाड़ खा कर गिरी, भले हरिदास आप इतने बड़े संत हो, ये दुष्ट राजा मेरे को आपको गिराने के लिए भेजा था, मैं कितने पापी नहीं हूँ, आप जैसे संतों को मैंने नीचा देखने के लिए आया। हरिदास ठाकुर ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, तो कहाँ से आए, क्यों आए, किस लिए आए, सब मैं जानता हूँ, पहला रात को तुम्हें यहाँ छोड़कर चले जाता, लेकिन दुनिया में दिखाना ये था संतों का संग कितने महान होते हैं, दुनिया को केवल दिखाने के लिए तेरे को उधार करने के लिए तीन रात रहे। मैं बेटी एक काम कर जाओ, जितने उसने बोला मेरे को भजन हरि नाम दे, मैं भजन करूंगी, बोले जितने पाप को द्वारा पैसा कमाई किया ना, सारे ब्राह्मण को लूट लात करके आओ, और एक वस्त्र पहन करके आना। और उसने ऐसे करके आई, बोले गंगा में नहाओ, गंगा में नहाए तो उन्होंने उनको ऐसे माला जप करने के लिए, बोले बेटी यहाँ पर बैठो, तुलसी की सेवा करना, यहीं पर रहना, दिन में एक लाख हरिनाम करना, खाने पीने के लिए कोई चिंता नहीं बेटी, हैं मैं जा रहा हूँ। दूसरे दिन प्रचार हो गया जो लख्य हीरा,
इतने जो विश्व सुंदरी थी हाँ लख्य हीरा सही वैश्या हरिला परम महान थी बड़ा बड़ा वैष्णव अवतार दर्शन से जानती कद वो इतने महान बन गई बड़े बड़े संत भी उसको दर्शन करने के लिए जाते थे वो वैश्या को इतने खाना पीना कपड़ा लता ढेर कर दी है इसलिए भगवान का नाम में इतने शक्ति नवीन प्रभु की कथा सुनाना चाह रहे थे नवीन प्रभु जी ठीक है त्रिवेदी सर अरे जब सब वैष्णव लोग आएंगे ना सब एक नोटबुक रखना नोटबुक में सारी कथा नोट करना सारे कथा को जैसे नोट करके जैसे मैं इस बार आया कितने सारे मैंने कथा सुनाए कितने मैंने अगर इतने कथा को उसको बोलो अगर इतने कथा को अगर तुम नोट कर रखते ना इतनी कथा तुम्हें याद हो जाएगी इतनी कथा हो जाएगी आप जिसको देखोगे ना कथा सुना सकते हो इसलिए नोटबुक में सारे नोटबुक में एक एक कथा को नोट करते रहो प्रेम प्रेमा क्या प्रेमानंद नोट कर रही सारी कथा तभी इतनी बढ़िया कथा सुनाएगी सुना हाँ First of all, I would like to pay my humble obeisances to my Diksha Guru, Om Astuta Satasi Srimad Bhaktivedanta Hari Maharaj. I would also like to pay my humble obeisances to Pujapad Sridhar Bhaktivedanta Sridhar Maharaj. Also to all the Vaishnavas, the Vaishnavis, and all the assembled guests, my humble obeisances. I had something in my mind prepared, but Naveen Prabhu spoke again. So always prepare two things. Yeah, I have another one, so we have to speak over Nam, over the names of Bhagavan, the holy names. These names are so powerful. Every time we hear the names are so powerful. But why are these names so powerful? When Bhagavan, his avatars, came on earth, every avatar had a weapon, a shastra. Prabhu Ram has his bow. Sri Krishna has his chakra. And what has the weapon of Mahaprabhu, what was that? It was the holy names, the Maha Mantra. So these mantras, these are actually weapons. And weapons against what? Against Kali. Because Kali is so strong. And we are so minor and we are so polluted. We can't think straight. But these names, they will cut Kali. And then we can do our bhajans. So actually, when we chant these names, the bhaktas can be polluted. They are actually pure. They remain pure. In the Padma Puran and also in the Bhakti Rasamrita Sinbindu of Rupa Goswami, he tells three things about the names. First, there's no difference between the Nam and the Nami. So there's no difference, also what Maharaj said. Between the names of Krishna and Krishna himself, Nami. Also, these names are, the second one is, these names are Chaitanya Ras Vigraha. They are transcendental melodies, divine love for Krishna. And the third one is, these names are actually Chintamani. And what is Chintamani? These are wish-fulfilling stone. So everything you want, you can get if you chant this name.
But we bhaktas, the Vaishnavas, they want nothing material. They don't want the anything of this world. What do we want? We want actually spiritual things. And the most highest thing we can actually ask for is the mercy of... Yeah, I'm not qualified to speak about this, but I will... Under the mercy of Shipatshi and Maharaj, I will try to tell something about this. But this highest thing we can ask for is the mercy of Srimati Radharani. And because of her her feast is tomorrow, her birthday is tomorrow actually. So I will tell a little a beautiful shloka. My Diksha Guru is always saying this in his Pranam Mantra, Bhaktivedanta Vamharaj. And he's always singing this in his Pranam Mantra, Bhajami Radha Aravindra Netram Smarami Radha Madhumasmadhusmitasyam Vadami Radha Karunaya Vradram Tato Mamanyas Gatir Nakapi. Yes. Thank you. What is this in this verse? In this verse, Shri Rupa Goswami is saying, Radharani, she has beautiful lotus eyes. She has a smile in her face, sweetly smiles. And also I offer my humble, I glorify always Radha qualities, because in my heart, there's always an ocean of mercy. And my highest goal, what is my highest goal, is only the surface. I don't want nothing in my life, only the surface of her, to her. So by these names, we can get so much, so much. We can get even Radha, the surface of her to her lotus feet. So that's why we must always chant the holy names. And don't waste any time, because these names are so powerful. Zanchakapitra Vishnu. सब जितना तुम्हारे यार दोस्त है ना, सबसे कथा सुनाते रहना. कथा सुनाते 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 तो प्रैक्टिस हो पाए. तुम भी बोलो कुछ. यू वांट टू सी समथिंग, वांट टू स्पीक. हां बोलो. लो 2 मिनट रुको. आ जाओ. आई जस्ट वांट टू फॉर राधा रानी. ओके, नो प्रॉब्लम. बट आई बोलो बोलो. So I will pay my humble obeisance to my Shiksha Gurudev, Vishnu Pata Stotra Satrasat, Srimad Sridhar Maharaj. And I want to pay my humble obeisances to all the Vaishnavas and all the guests. I have something for Radharani, because tomorrow is her birthday. I will read this. Next time I will. The Puranas relate a story concerning the divine appearance of Srimati Radharani as follows. One day Vrishabhanu Maharaj, who was living as Raval at that time, went to the bank of Jamuna at around noon to take a midday bath. As he approached the bank of the Jamuna, he saw a golden lotus flower floating on the water and shining brightly
like a thousand suns. Vrishabhanu immediately waded into the river, and when he came near to the golden lotus flower, he beheld the most beautiful and radiant form of a baby girl lying within the petals of the lotus. At that same moment, Lord Brahma suddenly appeared in the sky, and speaking in a grave voice, informed Vrishabhanu that in his previous life, Vrishabhanu and his wife Kirtida had performed great austerities in order to get the consort of Lord Vishnu as their daughter. Lord Brahma told Vrishabhanu that this girl was the origin of the goddess Lakshmi and that he should take great care of her. Lord Brahma then placed the baby girl in the arms of Vrishabhanu, who became overjoyed and, after taking permission from Lord Brahma, returned to his home. Seeing the beautiful baby girl shining like millions of autumnal moons, Mother Kirtida was overcome with joy and immediately arranged for all kinds of religious rites to be performed and donated thousands of cows to the Brahmins. At that time, baby Radhika was placed in a gem-studded cradle and gently rocked back and forth by all the little girls of the village. Day by day, her luster increased just like the digits of the moon. Within a short while, it was observed that the baby girl made no noise and had not yet opened her eyes. Vrishabhanu and his wife feared that their baby girl was perhaps blind from birth and also dumb. At that time, Srila Narad Muni visited the home of Vrishabhanu and informed him that regardless of the girl's apparent blindness, they should continue with the birth celebration. Vrishabhanu therefore made elaborate arrangements for a lavish birth celebration and sent out invitations to all the residents of Rawal and Golok, and especially to his dear friend Nanda Maharaj and his family. On the appointed day, the guests had assembled and the birth celebrations were going on in great jubilation. Nanda Maharaj and Yashoda Maya had arrived with Rohini and also brought their small children, Krishna and Balaram. Kirtida met with Yashoda and told her that she was very happy to have such a beautiful daughter, but was feeling rather distraught because her child was both dumb and blind. Krishna had just passed his first birthday and was happily crawling around the courtyard on his hands and knees. Arriving at the cot in which Radhika was lying, Krishna held on to the sides and managed to lift himself up. He then peered into the cot where his gaze fell upon the beautiful moon-like face of baby Radhika. As soon as baby Radhika smelled the exotic fragrance of Krishna's transcendental body, she immediately opened her eyes for the very first time and looked directly at Krishna, who was the first person that she had ever seen. As Krishna gazed lovingly at baby Radhika, he began smiling ecstatically. Radhika then suddenly began to cry, and for the very first time she made a sound. Vrishabhanu and Kirtida, along with all the assembled Vrajavasis, were overjoyed to find out that their beloved daughter Radhika was not blind nor dumb after all. In the Radharasudha Nidhi it says, "So powerful is the glancing of her eyes that the flute slips from Krishna's hands. His peacock crown starts to slip, and his yellow shawl becomes displaced as he swoons and falls to the ground. Alas, will I ever get the chance to serve with love and devotion such a person as Radharani?" Blessed Radha Rani ki, Blessed Vrishabhan Maharaj ki, Blessed Kirtika Sundar ki. Aarti kar gaye na? Aarti kar. Phir kal Radharani ka janmotsav hai. Tomorrow, everybody can come in and put pink color sari, okay? Man, dhoti and kurta. Dhoti, kurta. Hare Krishna. Tomorrow coming, okay? Tomorrow Radhashtami.